brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी पारा भी हाई हो चला है। मुख्तार की मौत को लेकर तमाम विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भी मुख्तार की मौत को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवपाल यादव का कहना है कि मुख्तार अंसारी के परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जेल में किसी की भी मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है। ये मौत संदेह के घेरे में है। देखिए, वैसे तो इस परिवार से हमारे राजनीतिक संबंध रहे हैं और कई बार के ये विधायक रहे हैं, तो देखिए इनकी मौत संदेह में है तो न्यायपालिका को तुरंत इस पर ले लेना चाहिए। अभी इससे पहले भी उन्होंने संदेह किया था कि जो है मेरी हत्या हो सकती है, इस तरीके का, तो उससे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई बार वो कह चुकी, तो इसीलिए तो संदेह के घेरे में है। तो फिर न्यायपालिका को संज्ञान में ले लेना चाहिए, सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। देखिए, जो भी परिवार के लोग, अब जैसे परिवार के लोगों की जो मांग है वो जरूर मान लेना चाहिए। बच्चे का कहना है कि उनको जहर दिया गया है, तो जब संदेह में है, मौत तो संदेह में है, तो न्यायपालिका को तुरंत संज्ञान में ले लेना चाहिए। तो शिवपाल यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सवाल उठाए हैं, इसके साथ ही जांच के लिए भी मांग की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो गई थी। मुख्तार की मौत पर समाजवादी पार्टी ने शोक भी जताया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए श्रद्धांजलि भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।